अलकुम स्टूडेंट्स एक्सरसाइज फाइव पॉइंट फोटीन स्टार्ट करने लगे हैं आज और चैप्टर नंबर फाइव ही है हमारे पास स्क्वायर रूट इसमें स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है हमें देखिए फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलिंग एक्सप्रेशन बाई द डिविजन मैथड हमें डिविजन मैथड से इसको फाइंड आउट करना है हमारे पास क्वेश्चन है फोर ए फोर प्लस एट ए क्यूब प्लस एट ए स्क्र प्लस फोर ए प्लस वन आपने इसको डिविजन मैथड से सॉल्व करना है स्टूडेंट्स अब हमारे पास यहाँ पर फोर ए फोर डिवाइडेंट बना देते हैं हम इसको स्क्वायर रूट मेथड से आपको बताते हैं कि आपने इसको किस तरीके से सॉल्व करना है ठीक है अब हमें इसको टू ज़ाहिर है इस तरह के टू पार्ट्स में इसको डिवाइड करना है इसको ब्रेक करना है कि जब मैं इसको मल्टीप्लाई करूँ तो मेरे पास फ़ोर ए फोर आ जाए अगर मैं यहाँ पर लिख दूँ टू ए स्क्वायर एंड टू ए स्क्वायर देखें टू टूज़ा फ़ोर हो जाएगा और यहाँ पर पी ए स्क्वायर है और ए स्क्वायर वेरिएबल पर ए पर पी स्क्वायर है तो ए फोर हो जाएगा ठीक है टू टूज़ा फोर ए फोर हो जाएगा ये प्लस और ये प्लस इसे माइनस से कैंसिल आउट हो गया अब जो चीज़ हमने यहाँ रखी होती है स्क्वायर रूट मेथड में वही चीज़ हम इसको बराबर में भी रख नीचे भी रखते हैं और यहाँ इसको ऐड कर देते हैं टू टू फोर हो जाएगा पर वेरिएबल प्लस नहीं होगा वेरिएबल अपनी जगह पर रहेगा जो है वही रहेगा अब हमें क्या करना है बाकी काफ़ी हमारे पास ये वाला डिवाइडेंट था इसको मैंने उठाकर कर यहाँ पर नीचे लिख देना है ए क्यू प्लस एट ए स्क्वायर प्लस फोर ए एंड प्लस का वन ठीक है अब हमने इसके बराबर में ऐसा क्या रखूँ क्या कौन सा नंबर और कौन सा वेरिएबल रखूँ कि मैं इसको मल्टीप्लाई करूँ तो मेरे पास एट आ जाए एट एक क्यूब आ जाए तो ये फ़ोर है अगर मैं यहाँ रख दूँ फोर टू सा एट और ये स्क्वायर है और यहाँ मुझे एक क्यूब चाहिए तो मुझे इसमें ए का भी इजाफा करना पड़ेगा ए वेरिएबल का ताकि ये ए क्यूब हो सके अब जो चीज़ मैंने यहाँ रखी है स्टूडेंट्स वही मैं ऊपर भी रखूँगी ठीक है अब आप इसको मल्टीप्लाई करें जब आप फोर को टू से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा एट ये ए स्क्वायर है और वो ए है तो ये हो जाएगा ए क्यू प्लस वाला प्लस और ये माइनस से कैंसिल आउट हो गया ठीक है अब सेकंड वाला मेरे पास टू ए है था अब टू को जब टू से मल्टीप्लाई करूँगी तो मेरे पास क्या आ जाएगा फोर और ए स्क्वायर हो जाएगा ये ए है और वो ए स्क्वायर हो जाएगा ये प्लस है साइन चेंज करनी होती है या तो ये माइनस हो जाएगा प्लस माइनस माइनस हो गया जब एट में से फोर को माइनस करोगे तो फोर ए स्क्वायर आ जाएगा प्लस फोर ए एंड प्लस का वन ठीक है अब ये मेरे पास डिवाइडेंड बन गया अब जो चीज़ जाहिर है यहाँ रखी है उसी को यहाँ भी रखना है इसको आपने ऐड कर देना है यहाँ पर ये यह फोर ए स्क्वायर ही रहेगा अभी टू और टू फोर ए हो जाएगा पर वेरिएबल उसमें ऐड नहीं होगा सिर्फ हमें इसके नंबर्स को ऐड करना होगा यहाँ पर सॉरी अब आगे क्या रखना है ऐसा क्या रखेंगे आ जाए मैं यहाँ वन रख देती हूँ फोर ए को जब मैं यहाँ पे और यहाँ वन रखा है तो यहाँ भी रखना पड़ेगा फोर ए स्क्वायर को वन से मल्टीप्लाई करूंगी तो फोर ए स्क्वायर आ जाएगा फोर ए को वन से करूँगी तो प्लस का फोर ए आ जाएगा वन को वन से करूँगी तो वन ही आ जाएगा इसके आगे कोई साइन नहीं होती प्लस होता है यहाँ साइन चेंज करनी होती है प्लस तो pl तो 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 से है okay, तो माइनस प्लस है तो माइनस प्लस है तो माइनस ये प्लस वाला इस वाले माइने से कैंसिल आउट हो गया ये प्लस वाला इस माइनस से कैंसिल आउट हो गया प्लस वाला इस माइनस से कैंसिल आउट हो गया रिमाइंडर इज जीरो ठीक है इसको डिवीजन मेथड से हमने स्क्वायर रूट फाइंड आउट किया तो हमारे पास यहाँ पर स्क्वायर रूट क्या आया है इसका एस क्यू यू ए स्क्वायर रूट टू ए स्क्वायर जो क्वेश्चन में हमारे पास आंसर आया है टू ए स्क्वेयर प्लस टू ए प्लस वन ठीक है स्टूडेंट्स अब हम इसका क्वेश्चन नंबर टू भी कर लेते हैं जी स्टूडेंट्स का क्वेश्चन नंबर टू हमारे पास है ए फोर प्लस टेन ए क्यूब प्लस थर्टी वन ई स्क्वायर प्लस थर्टी ए प्लस नाइन ठीक है इसको आप ब्रेक कर लें टू पार्ट्स में टू हो जाए ए स्क्वायर उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ए फोर हो जाएगा प्लस वाला मैंने से एक कैंसिल आउट हो जाएगा ठीक है अब यहाँ ए स्क्वायर रखा है तो दायरे यहाँ भी ए स्क्वायर रखूँगी और इसको ऐड कर दूँगी तो हो जाएगा टू ए स्क्वायर अभी पूरी वैल्यू को नीचे उतार लूँगी पूरा पॉली नीचे उतर जाएगा ये क्यों जो है हमारे पास थर्टी ए एंड प्लस का ना ठीक है अब मैं ऐसा क्या रखूँ कि ये मेरे पास आ जाए तो ये है टू फाइव ज़र टेन ए क्यूब चाहिए तो यहाँ एक इजाफा करना पड़ेगा अब यही चीज़ मुझे ऊपर भी रखनी है फाइव है अब आप मल्टीप्लाई कर लीजिए अब टू को फाइव से मल्टीप्लाई करेंगे तो टू फाइव जै टेन ए क्यूब आ गया प्लस वाला माइनस से कैंसिल आउट हो जाएगा ठीक है स्टूडेंट्स अब हमारे पास ये फाइव है जब फाइव को फाइव से मल्टीप्लाई करूँगी तो फाइव फाइव ज़ ट्वेंटी फ़ाइव और ए स्क्वायर आ जाएगा ये प्लस यहाँ साइन चेंज करनी होती है माइनस हो जाएगा प्लस माइनस माइनस हो जाएगा जब मैं थर्टी वन में ट्वेंटी फाइव को माइनस करूँगी तो मेरे पास यहाँ पर सिक्स ए स्क्वायर आ जाएगा बाकी कभी मैं नीचे उतार लेती हूँ ये ठीक है अब मुझे क्या करना है यहाँ पर ये चीज़ जब मैंने फाइव इधर रखा तो यहाँ भी रखूँगी इसको ऐड कर दूँगी ठीक है यहाँ पर इसको ऐड करना है पहले तो टू ए स्क्वायर ऐसे ही रहेगा ये फ़ाइव फाइव टेन और ए हो जाएगा ठीक है स्टूडेंट्स अच्छा अब मुझे क्या करना है यहाँ पर अगर मैं यहाँ पर क्या रखूँ टू थ्री ज़ा सिक्स रख दूँ और ए स्क्वायर तो ऑलरेडी मेरे पास है मुझे सिर्फ थ्री रखना पड़ेगा तो प्लस का थ्री यहाँ प्लस थ्री रखा है तो यहाँ पर भी प्लस थ्री रखना पड़ेगा ठीक है यहाँ जगह नहीं है इसको सेट करके सही से लिख देती हूँ ताकि बच्चों को प्रॉब्लम ना हो प्लस थ्री ठीक है अब आप उसको मल्टीप्लाई कर लीजिए सॉल्व करें टू थ्री ज़ा सिक्स हो जाएगा ए स्क्वायर आप टेन को कर लीजिए टेन थ्री ज़ा थर्टी है एंड थ्री थ्री ज़ा नाइन ठीक है ये प्लस है प्लस प्लस है तो माइनस कर देंगे प्लस है माइनस कर देंगे प्लस है तो माइनस नाइन आए प्लस वाला माइनस से कैंसिल आउट प्लस वाला इस माइनस से कैंसिल आउट प्लस वाला इस माइनस तो थ्री थी थ्री नाइन था सॉरी ठीक है रिमाइंडर इज जीरो तो हमारा स्क्वायर रूट क्या है आया है यहाँ पे स्क्वायर रूट क्या है हमारे पास जो हमारे क्वेश्चन में आंसर है ए स्क्वायर प्लस फाइव ए प्लस थ्री अब इसका क्वेश्चन नंबर थ्री भी कर लेते हैं आप नोट डाउन कीजिए इसको जी इस फ्रेंड हमारे पास क्वेश्चन नंबर थ्री है एक्स फोर डिवाइड बाई वाई फोर प्लस वाई फोर डिवाइड बाय एक्स फोर प्लस थ्री प्लस टू एक्स स्क्वायेयर डिवाइड बाय एक्स टू वाई टू प्लस टू वाई स्क्वायर डिवाइड बाइड एक्स स्क्वायेयर ठीक है इसको पहले हम अरेंज भी कर लेंगे तो अरेंज मैं इस तरह इस फॉर्म में बनाकर ही अरेंज कर लेती हूँ ताकि आपको भी कोई प्रॉब्लम ना हो ठीक है स्टूडेंट्स तो पहला वाला ये ले लेते हैं ये हो जाएगा एक्स फोर डिवाइडेड बाय वाई फोर सेकेंड वाला टू एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय वाई स्क्वायर थर्ड वाला थ्री ठीक है फिर मैं ले लेती हूँ यहाँ पर प्लस टू वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर और लास्ट में वाई फोर डिवाइडेड बाय एक्सर उसको अरेंज कर लिया अब हम सेट कर लेते हैं अगर मैं यहाँ पर एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर रखूँ उसको डिवाइड कर दूँ तो मेरे पास आंसर आ जाता है एक्स फोर डिवाइड बाई वाई फोर जी बिल्कुल आ रहा है प्लस वाला यहाँ साइन चेंज हो जाएगी कि कैंसिल आउट हो जाएगा अब जो चीज़ यहाँ रख एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर वही यहाँ करना होता है इसको ऐड करना होता है तो मेरे पास यहाँ पर क्या आ जाएगा नीचे मेरे पास आ जाएगा टू एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय वाई स्क्वायर ठीक है स्टूडेंट अब बाकी का जो मेरे पास ये मैं नीचे ले लेती हूँ टू एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय वाई स्क्वायर प्लस थ्री प्लस टू वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई की पावर फोर है और एक्स की पावर भी फोर है ठीक है स्टूडेंट्स अच्छा अब मैंने क्या करना है यहाँ पे देखिए मुझे सेम यही चीज़ है तो क्यों ना मैं वन रख लूँ ठीक है तो मेरे पास ये चीज़ आ जाएगी यहाँ भी वन रखती हूँ और ये भी चीज़ वन रखती हूँ ठीक है तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर को जब वन टाइम मल्टीप्लाई करूँगी तो मेरे पास सेम यही वैल्यू आ जाएगी यही वेरिएबल्स आ जाएंगे और जब वन को वन टाइम मल्टीप्लाई करूँगी तो वन ही आएगा जाहिर है यार साइन चेंज करनी होती है प्लस वाला इस माइनस से, से कैंसिल आउट हो जाएगा प्लस माइनस माइनस हो जाएगा थ्री में से, से वन माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा टू आ जाएगा ठीक है टू प्लस टू वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायेयर प्लस वाई की पावर फोर है और एक्स की पावर भी फोर है यहाँ वन रखा था तो वन भी यहाँ रखेंगे और इसको ऐड कर लेंगे तो ये हो जाएगा टू एक्स स्क्वायेयर डिवाइडड बाई वाई स्क्वायर और वन वन टू हो जाएगा अब यहाँ जगह नहीं है तो नेक्स्ट स्टेप समझे मैं इधर कर देती हूँ उसका ठीक है स्टूडेंट्स यहाँ कर देती हूँ और इसको यहाँ से रब कर देती हूँ पहले अब मैं इसको मैंने लास्ट वाला स्टेप जो यहाँ था जगह नहीं थी ये तो मैंने स्टूडेंट इस वाले लास्ट स्टेप को मैंने यहाँ उतार लिया है सेम ये चीज़ मैंने यहाँ उतार ली ताकि सी के नीचे आपने इसको सॉल्व करना है ठीक है अब मैं यहाँ पे क्या रखूँ कि मेरे पास ये आ जाए तो ऐसे आ जाएगा टू भी आ जाएगा वाई फोर है तो मेरे पास वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर हो दिव जाएगा ठीक है स्टूडेंट्स यही सेम चीज़ मैं यहाँ भी रख दूँगी लेकिन आंसर क्वेश्चन में जो मेरे पास इधर आंसर आ रहा है वो मैं इधर लिख रही हूँ इसके ऊपर नहीं रही क्योंकि ये वाला स्टेप इसके नीचे का है समझ जाइएगा आप लोग ठीक है मल्टीप्लाई करूँगी तो मेरे पास ज़ाहिर प्लस टू भी आ जाएगा और प्लस टू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर भी आ जाएगा प्लस वाई फोर डिवाइडेड बाय एक्स फोर ठीक है प्लस वाला तो माइनस से कैंसिल आउट हो जाएगा यहाँ पर ये वाला ये प्लस वाला इस माइनस से कैंसिल आउट ये वाला प्लस वाला इस माइनस से कैंसिल आउट हो जाएगा ठीक है मुझे यहाँ पे या वाई स्क्वायर रखना चाहिए था और नीचे एक्स स्क्वायर यहाँ पे मिस्टेक हो गया तो मैं लिख देती हूँ वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर ठीक है स्टूडेंट्स तो हमारे पास क्वेश्चन में हमारे पास क्या आंसर आया है हमारा स्क्वायर रूट क्या है एस स्क्वायर रूट एस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय वाई स्क्वायर प्लस वन प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर ठीक है स्टूडेंट्स अब हम इसका क्वेश्चन नंबर फोर भी इसी क्वेश्चन में कर लेते हैं इसी वीडियो में कर लेते हैं आप इसको नोट डाउन कर लीजिए कोई भी प्रॉब्लम अगर आपको इसके हवाले से होता है तो आप कॉमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर शेयर किया करें ताकि मैं आपको उसका रिप्लाई दूँ और आपकी मिस्टेक सॉल्व हो जाए और ये क्वेश्चन नंबर वन टू फोर हम करेंगे और इसके अलावा हम इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सक्सेस के इसी भी जो है चैप्टर के हम इन श्रा तैक्ट वीडियो में अपलोड करेंगे ठीक स्टूडेंट्स हम क्वेश्चन नंबर फोर भी इसका कर लेते हैं तो हम इसको अरेंज भी कर लेंगे तो मैं इसको अंदर ही अरेंज कर लेती हूँ बाहर करने की ज़रूरत नहीं है ठीक है स्टूडेंट्स तो मेरे पास ये हो जाएगा वाई फोर प्लस टू एक्स स्क् वाई स्क्वायर प्लस थ्री प्लस टू बाई वाई स्क्वायर और प्लस वन बाय वाई फोर ठीक है ये टू है आप इसको सॉल्व कर लें और यहाँ पे मेरे पास वाई फोर है तो मैं अगर वाई का स्क्वायर रखूँ तो यहाँ भी वाई का स्क्वायर रखूँ तो मेरे पास वाई का फोर आ जाएगा प्लस प्लस और ये माइनस से कैंसिल आउट हो जाएगा सेम यही वाई स्क्वायर इधर रखना पड़ेगा मुझे और यहाँ इसको क्या करना होता है ऐड तो ये हो जाएगा टू वाई स्क्वायर इसी तरीके से है थोड़ा सा आगे करके लिखती हूँ इसको हो जाएगा टू वाई का स्क्वायर ठीक है स्टूडेंट्स अच्छा अब आगे क्या करना है पूरा जरूर उतार लीजिए टू वाई स्क्वायर प्लस थ्री प्लस टू बाई वाई स्क्वायर प्लस वन बाय वाई फोर अब इसके बराबर में क्या वैल्यू रखूँ ज़ाहिर वन रखूँगी तो सेम वैल्यू आ जाएगी ये हो जाएगा प्लस वन टू वाई स्क्वायर प्लस वन ऐसे कैंसिल आउट हो जाएगा और 1 वन जा वन हो जाएगा यहाँ पर ये यह प्लस है तो ये भी माइनस हो जाएगा फर्स्ट वाला कैंसिल आउट हो गया प्लस माइनस माइनस थ्री में से वन माइनस किया तो टू बचेगा प्लस टू बाय वाई स्क्वायर प्लस वन बाय वाई फोर ठीक है स्टूडेंट्स अब मुझे यहाँ पे क्या वैल्यू रखनी है सेम यहाँ वन रखा था तो यहाँ भी वन रख के इसको ऐड करेंगे और आगे इसको कंटिन्यू करेंगे वन वन टू हो जाएगा ठीक है अब अब मुझे यहाँ पे क्या चीज़ रखनी है स्टूडेंट्स के मेरे पास ये वैल्यू आ जाए तो वन बाई यहाँ वाई फोर है अगर मैं यहाँ पर स्टूडेंट्स रख देती हूँ वन बाय वाई स्क्वायर तो यहाँ भी सेम ये रखूँगी वन बाय वाई टू तो फिर आ जाएगा मेरे पास ठीक है अभी प्लस का टू भी आ जाएगा प्लस टू बाय वाई स्क्वायर भी आ जाएगा टू वन जो टू हो जाएगा वाई स्क्वायर और वन बाय वाई फोर भी हो तो जाएगा ठीक है ए प्लस है ये भी प्लस है तो माइनस हो जाएगा ए प्लस है, है तो ए भी माइनस ये है, है तो प्लस ए भी माइनस प्लस वाला इस माइनस से कैंसिल आउट ए प्लस वाला इस माइनस से कैंसिल आउट प्लस वाला इस माइनस से कैंसिल आउट तो हमारे पास यहाँ पर स्क्वायर रूट क्या आएगा स्क्वायर रूट एज वाई स्क्वायर प्लस वन प्लस वन बाय वाई स्क्वायर जी स्टूडेंट अगर आपको उस पर कोई प्रॉब्लम होता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर शेयर करें शायद तैयार में आपको रिप्लाई दूँगी या यहाँ पर भी वन बाय वाई स्क्वायर लिख दिया करें ऐसे कोई भी प्रॉब्लम होता है तो लिखकर शेयर करें शायद आपको रिप्लाई देंगे मिलते हैं जब तक नेक्स्ट वीडियो में जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़